तो दोस्तों अभी वर्कआउट करके आ रहा हूँ मैं और इतनी बुरी हालत हो गई है कि दो पैरों पे चल के जाने की हिम्मत नहीं बची है और गर्मी ने वो हालत बिगाड़ी है मेरी कि एनर्जी बिल्कुल डाउन हो चुकी है। और आज शोल्डर का वर्कआउट था तो मैंने वर्कआउट तगड़ा किया है और कम से कम 10 वेरिएशन थे तो 10 वेरिएशन में मेरी फट गई। तो चलते हैं घर, शावर लेंगे, बढ़िया सी मील लेंगे और बिस्तर पकड़ेंगे क्योंकि नहीं जान बची, बिल्कुल जान नहीं बची है। क्या करूं मैं, जैसे तैसे घर पहुंचना पड़ेगा। The next morning. दोस्तों अभी मैं पार्सल रखने गया था, जो कल के व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि कस्टमर का एक पार्सल था आगर के लिए, तो आगर के लिए मैं पार्सल रखवा गया और इतनी भीषण वाली गर्मी थी कि मैं बता नहीं सकता हूँ कि इतनी आग उगल रही है गर्मी कि घर से बाहर निकलो तो बिल्कुल झुलस जाओ। और पार्सल रखवाने में मेरी जान जान निकल गई क्योंकि इतनी गर्मी थी और बस स्टैंड पे होती ही गर्मी, बसों की भी गर्मी होती है और भीड़ भी बहुत होती है, सफोकेशन भी बहुत होता है और ऊपर से ये जो सूरज महाराज हैं ये इतनी गर्मी फेंक रहे हैं कि इंसान भुट्टा बन जाए। खैर पार्सल तो रखवा दिया, अभी मैं जोहर की नमाज़ पढ़ के आया हूँ, चेंज किया है और बहुत ज़्यादा भूख लग रही है भीषण वाली, तो मस्त खाना खाएंगे। अभी सिर्फ ठंडा पानी पिया है मैंने और पानी की इतनी प्यास लग रही थी कि गला एकदम चिपक गया था, तो जल्दी से आके मैंने पानी पिया, नमाज़ पढ़ी और फिर उसके बाद चेंज किया, अब खाना खाएंगे तो लंच का टाइम है तो जल्दी से खाना खाते हैं। Few moments later. तो दोस्तों अभी जस्ट मगरिब की नमाज़ पढ़ के आया हूँ मैं और हमजा जानी को क्या है कि थोड़ा सा फीवर आ गया है तो बहुत परेशान कर रहा है, परेशान हो भी रहा है बिकॉज उसके जो राइट लेग में एक टीका भी लगा था परसों के दिन, तो उसकी वजह से क्या है कि थोड़ा सा फीवर भी आ गया है और वो परेशान भी हो रहा है, टिंटिंग कर रहा है बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा क्राइंग कर रहा है और एकदम उसे इरिटेशन बहुत हो रहा है, बहुत किसी भी चीज़ को देखता है तो बहुत इरिटेट करता है। तो जिम का भी टाइम होने वाला है और हमारी दानियल जो है, दानियल को भी क्या हुआ कि कोल्ड एंड कफ हो गया है और बहुत ज़्यादा नाक बह रही है, तो डॉक्टर के पास तो ले गया हूँ, मेडिसिन दिलवा दी है और मेडिसिन ले रही हैं, हमजा जानी भी मेडिसिन ले रहे हैं। तो अभी मगरिब का टाइम है, नमाज़ पढ़ के आ गया हूँ, जिम का टाइम होने वाला है तो एक बढ़िया सी प्री वर्कआउट में टी पीते हैं फिर उसके बाद चलेंगे अपने जिम। तो दोस्तों अपनी चाय बन रही है और ये अपनी वर्कआउट से पहले क्या प्री वर्कआउट है तो ये हम ले रहे हैं और इसको पीने के बाद जिम चलेंगे। अभी आयत आई थी मेरे पास और वो कहने लगी कि फरदीन मामू
लालबाग ले जा रहे हैं मुझे, तो आपकी जो ओला स्कूटर है वो मुझे दे दो। तो अभी फरदीन लेके जा रहा है ओला स्कूटर, तो एक आध घंटा लगेगा उन्हें घूम फिर के आ जाएंगे, फिर उसके बाद हम जिम चलेंगे। तब तक के लिए चाय बना लेते हैं और फिर चाय पियेंगे, मस्त एकदम मज़ा आ जाएगा। Few moments later. तो दोस्तों अभी जिम से आया हूँ मैं और बहुत ख़तरनाक वर्कआउट करके आ रहा हूँ, और दानियल कह रही हैं कि मुझे जलेबी खाना है, तो दानियल को दिलवा के लेके आते हैं जलेबी। चलें दानियल, क्या ढूंढ रही हो आप? नीचे होगी, चलो नीचे देख लेंगे, नीचे चलें। तो चलते हैं दोस्तों, और दानियल को जलेबी खाने का बहुत दिल हो रहा है तो जलेबी दिलवा के लेके आता हूँ मैं। गर्मी बहुत लग रही है, बहुत भीषण वाली गर्मी। नेक्स्ट मॉर्निंग, तो दोस्तों जुम्मे की नमाज़ का टाइम हो चुका है, तो चलते हैं नमाज़ पढ़ के आते हैं। तो दोस्तों मेरी जुम्मे की नमाज़ हो चुकी है, अभी जुम्मे की नमाज़ पढ़ के आया हूँ मैं, और हमजा जानी सो गए हैं तैयार होके, क्योंकि अभी वैक्सीन लगी है। तो वैक्सीन की वजह से क्या है कि फीवर आ रहा है दो दिन से, और कफ एंड कोल्ड भी हो गया, दानियल को भी हो गया, तो वो एक हफ्ते तो परेशानी होगी ही। तो अभी तो सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं, और चची आई हैं, चची उधर नमाज पढ़ रही हैं। करते हैं नमाज पढ़ने देते हैं, और बहुत ज़्यादा भीषण वाली भूख लग रही है, तो खाना भी खाएंगे। अभी बेबी बना रही हैं खाना, तो थोड़ी देर वेट करते हैं, फिर उसके बाद खाना खाएंगे। तब तक YouTube पे चिल कर लेते हैं, देश और दुनिया में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं और क्या हालात हैं गाज़ा के, वो भी देखते हैं। रज़ा ग्राफी की न्यूज़ देखेंगे, क्योंकि एक वही लोता इंसान है जो न्यूज़ गाज़ा की एकदम परफेक्ट देते हैं, और मैं काफ़ी उन्हें पसंद करता हूँ, फॉलो करता हूँ, और उनकी वीडियो बहुत देखता हूँ। तो देखते हैं गाज़ा के क्या हालात हैं, और YouTube पे चिल करते हैं, तब तक वेट कर लेते हैं, फिर उसके बाद खाना खाएंगे। दोस्तों दानियल की नानी आई है, और दानियल बातें कर रही हैं उसकी नानी से, और उसकी नानी के साथ बहुत खेलती रहती हैं वो दिन भर। क्या चीज़? और बाप रे, इतने सारे पैसे कहाँ से लिए आई आप? सिक्का है ये, इसकी चीज आ जाएगी क्या? क्यों दानिया, चीज आ जाती है इसकी क्या? क्या चाची, मौसम लग रहा पानी का? हाँ, आ जाएगा, वो तो गर्मी बहुत हो रही है, आएगा थोड़ा। रेनबो आ गए क्या? है तो दोस्तों बहुत ज़्यादा गर्मी है, और गर्मी की वजह से क्या काले बादल आ गए हैं, बाकी बरस नहीं रहे हैं। आज बरस जाए तो थोड़ी सी तो राहत मिले गर्मी से, बाकी क्या है कि पानी गिर नहीं रहा है, गर्मी तो बस आग उगल रहा है, सूरज ज़रा भी रहम नहीं कर रहा है। तो इतनी भीषण वाली गर्मी है कि रहा नहीं जा रहा बिल्कुल भी, और घर में भी इतनी उमस सी हो रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो बादल तो हो रहे हैं, अल्लाह करे कभी पानी गिर जाए, मज़ा आ जाए। कहाँ जा रही हो? तो दोस्तों दानियल तो खेल रही है अपनी नानी के साथ, और आज के व्लॉग को करते हैं हम यहीं एंड, मिलते हैं एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, चैनल पर आए तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए शब्बा खैर।